पिछला वीडियो देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन देखना जरूरी है आगे वीडियो को समझने के लिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो सॉल्यूशन को फॉलो किया हो, अगर देखा हो, तो आपके लिए बेटर होगा कि आप लाइन से वीडियो देखें अरेंजमेंट के साथ। जैसे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वैसे वैसे आप उसे देखें। अगर उसमें आपको लगता है कि कुछ वीडियोज में कमी है, कुछ और मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकता हूँ, बट आपके सजेशन की जरूरत है। हाँ चलिए, खैर इन सब चीजों को देखते हैं। बख्श आज हम डायरेक्ट टॉपिक पे आने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में, फिर दोबारा सा रिकॉल थोड़ा सा करते हैं। अभी पिछले प्रीवियस वीडियो में मैंने डाला था हेनरीज लॉ के बारे में। तो हेनरीज लॉ को अगर आप गौर से देखें तो सबसे पॉइंट करने वाली बात क्या है कि लॉज के अपने अपने रूल्स हैं। हेनरीज लॉ किस कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है यह समझना बहुत जरूरी है। आप गौर करें कि हेनरीज लॉ जब कोई गैसियस सॉल्यूट डिजॉल्व होता है किसी सॉल्वेंट के अंदर, वो सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। गैस इन लिक्विड कंडीशन के लिए हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। जब गैस कितना सॉल्युबल होता है सॉल्वेंट के अंदर, उसे हम हेनरीज लॉ कहते हैं। तो हेनरीज लॉ इज ऑनली एप्लीकेबल फॉर दैट सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच गैसेज इज एक्ट एज अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। सच कंडीशन वी शुड अप्लाई फॉर द हेनरीज लॉ। उसी की कड़ी से जुड़ता हुआ सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन अगर आप गौर करें, जहां पे दो लिक्विड लिक्विड, अगर आप दो लिक्विड लिक्विड मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड होना चाहिए और सॉल्वेंट भी लिक्विड, और सॉल्वेंट भी लिक्विड, ये चीज बहुत ख्याल करने की बात है। जहां लिक्विड लिक्विड की बात हो, दूसरी बात वोलाटाइल, वोलाटाइल को समझते हैं। व्हाट इज वोलाटाइल? मान लीजिए आपने एक लिक्विड लिया है, जाहिर सी बात है कुछ मोल फ्रैक्शन ए कंपोनेंट ए होगा, कुछ गैस बनेंगे दैट इज कॉल्ड वाई ए होगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको? जाई ए क्या है, एक लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है यहां पे, और वाई ए क्या है, इसी जाई से जो गैस बाहर उड़ के निकल रहा है दैट इज कॉल्ड, ये कहलाएगा आपका वेपर फेज, ये कहलाएगा आपका लिक्विड फेज। ये एक्चुअली वाई ए जो मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की ही बात की जब वो गैसियस फॉर्म में था, और जाई ए बात की मैंने लिक्विड फॉर्म में था। कहते हैं इफ वाई ए कॉम्पोनेंट की वैल्यू जाई ए से ज्यादा होती है मोर, तो इसे हम कहते हैं वोलाटाइल। आई बात समझ में? अगर कम होगी तो लेस वोलाटाइल, और बहुत ही कम होगी तो नॉन वोलाटाइल, जिसमें कुछ नहीं होगी, जिस कंडीशन में, दैट इज कॉल्ड वोलाटाइल। अगर y a is equal to 0 होगा दैट इज कॉल्ड नॉन वोलाटाइल। तो आपको वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम फिर वापस आते हैं, तो रॉड साहब क्या कहते हैं, कहते हैं कि लिक्विड और लिक्विड, एक फ्रांसिस केमिस्ट थे, लिक्विड और लिक्विड का मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड में, सॉल्वेंट भी लिक्विड में, और दोनों वोलाटाइल होना चाहिए, पहला कंडीशन। तो याद रखिएगा रॉड्स लॉ को वहां अप्लाई करते हैं जहां पे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन आपस में क्या हो, वोलाटाइल होंगे, हम वहीं पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कहते क्या है कि मान लीजिए हमारे पास कोई ए कंपोनेंट है, और दूसरी बात मानते हैं कि हमारे पास कोई बी कंपोनेंट है। भाई साहब ये सॉल्वेंट मैं मान लेता हूं अपने हिसाब से, अरे बी मान लेते हैं सॉल्यूट अपने हिसाब से, क्योंकि ये पूरा चैप्टर सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन में, तो दोनों की बात करेंगे बाइनरी कंडीशन में। ये मेरे लिए हो गया सॉल्यूशन। तो ये क्या कहते हैं, देखिए जाहिर सी बात है अगर आपने सिर्फ ए लिया है तो ए के ही पार्टिकल प्रेजेंट होंगे यहां पे, बी तो होगा नहीं। बी लिया है तो यहां खाली बी के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। हाँ, तो इसका मतलब जो वेपर बना इसका अपना वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट ए, ये जो वेपर बना दैट इज कॉल्ड पी नॉट बी। क्लियर है चीज? दैट इज कॉल्ड पी नॉट ए, दैट इज कॉल्ड पी नॉट बी, क्योंकि यहां सिर्फ ए कंपोनेंट प्रेजेंट है, यहां सिर्फ बी कंपोनेंट, तो यहां ए के अलावा कोई और थोड़ी आएगा, कोई मॉलिक्यूल आएगा नहीं। हाँ, अगर आप दोनों को मिला देंगे यहां पे ए प्लस बी, तो यहां पे पी जीरो ए कहना गलत हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड पी एस कहते हैं, मिला जुला वेपर प्रेशर,
पीएस इज कॉल्ड मिला जुला, मतलब दोनों के वे प्रेशर प्रेजेंट होंगे। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहां पे, हम कह सकते हैं कि द पीएस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये चीज तो आपको समझ, पी जीरो और पीए बड़ा फर्क है। पीए कहता है, पीए कहता है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कॉम्पोनेंट इन अ मिक्सचर। पीबी कहता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कॉम्पोनेंट इन मिक्सचर, मतलब दोनों को मिला दिया, दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। यहां बाइनरी की हम बात करें, बाइनरी का मतलब दो, ये पूरा चैप्टर दो कॉम्पोनेंट पे घूमता रहेगा आपके लिए। तो ए है यहां पे बी है, यहां पे ए प्लस बी प्रेजेंट है, दोनों को मिलाया तो हम डाल्टन्स का फंडा अप्लाई करते हैं, पीएस इक्वल टू पीए प्लस पीबी। तो रॉड्स कहते हैं कि अच्छा ये बात है तो हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नोट जरूर कर लेना इसको, हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो कहता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसके अंदर जाई ए प्लस जाई बी दोनों होगा, इसके अंदर सिर्फ जाई बी होगा, इसके अंदर सिर्फ जाई होगा। अब सोचने वाली बात है जाई क्यों लिया। देखिए जाई क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, सॉरी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए जाई का इस्तेमाल, क्योंकि हम हीटिंग करेंगे तो वेपर बनेगा। तो जाहिर सी बात उस कंडीशन में जाई ए और मोरालिटी ऐसे दो कॉम्पोनेंट है जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, इसलिए हमेशा जाई और मोरालिटी इस पूरे चैप्टर में घूमता रहेगा, आपको हर जगह नजर आएगा। सेम एज अगर आप आएंगे दैट इज पी बी इज प्रोपोर्शनल टू जाई बी का द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन साइड टू सॉल्यूशन, मिक्सचर के अंदर बता रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ए पे मोल फ्रैक्शन बी पे डिपेंड करेगा। इसी पी ए को इसने रिप्लेस किया पी नॉट ए जाई ए, मतलब दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट। सिंपल से बात देखिए, जब ए कॉम्पोनेंट प्रेजेंट होता है तो सिर्फ ए के मॉलिक्यूल गैसेस मॉलिक्यूल बाहर आएंगे, हर एक मॉलिक्यूल का अपना वेव प्रेशर फिक्स होता है कॉन्स्टेंट, दैट इज कॉल्ड पी जीरो ए। अब कहा पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी जाई बी कह दिया। ये मेरा नाम इक्वेशन नंबर टू था। इसी वैल्यू को अगर आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर पी एस इक्वल टू पी नॉट ए जाई ए प्लस पी नॉट बी जाई बी कह दें, तो यही आपका रॉड्स लॉ बन गया, रॉड्स लॉ वेपर प्रेशर। अब यहां पे थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, जाई ए प्लस जाई बी इक्वल टू वन आप सब जानते हैं, तो जाई ए इक्वल टू वन माइनस जाई बी भी कर सकते हैं, तो फॉर्मूला थोड़ा सा और बदल जाएगा, P नॉट A 1 माइनस जाई बी प्लस पी नॉट बी और जाई बी। ये एक नया फॉर्मूला, फायदा ये उससे होगा कि आप सिंगल खाली एक मोल फ्रैक्शन से काम चला सकते हैं। यहां तक तो मैंने क्लियर किया मैथमेटिकल फॉर्म। अगर आप स्टेटमेंट की बात करेंगे तो क्या कहता है रॉड्स लॉ, सिंपल सा जवाब इसका है स्टेटमेंट ऑफ रॉड्स लॉ। कहता है द पार्शियल वेव प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉम्पोनेंट जिसको मैंने यहां पे फॉर्मुलेट किया है। ये फॉर्मूला नंबर टू दिख रहा है आपको, इस तरह से फॉर्मूला नंबर टू का ये लैंग्वेज का एक्सप्लेनेशन है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट करना चाहे पहले नोट कर लीजिए, आपके लिए आप नोट कर लीजिए थोड़ा सा। कहते हैं ग्राफ समझ में नहीं आता, इसका ग्राफ क्या है, ग्राफ ही समझ में नहीं आता। बहुत बढ़िया, ग्राफ ऐसे समझते हैं कि हम सब जानते हैं कि PA इज प्रोपोर्शनल टू जाई ए एंड PB इज प्रोपोर्शनल टू जाई बी। ये ग्राफ थोड़ा सा लॉजिकल बनाया है इसने, कोई मुश्किल नहीं है। आप ये समझिए कि ये आपका x एक्सिस है और आपके लिए ये y एक्सिस है, क्लियर है।
ये हम मान लेते हैं यहाँ पे हम xi a is equal to 1 बात कर रहे हैं, xi b की बात नहीं करना चाहते, हम सिर्फ a की बात करना चाहते हैं। इधर हमने अगर देखा तो ये हमारा अलग x एक्सिस बन सकता है, ये हमारा अलग y एक्सिस बन सकता है। तो हम ये मानते हैं यहाँ पे कि xi b is equal to 1 और xi a is equal to 0। तो जाहिर सी बात यहां लिखेंगे आप मोल फ्रैक्शन देंगे वेपर प्रेशर। अब आप देखिए यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट है, बी नहीं है, मतलब अकेला है, तन्हा है, तो सिर्फ एक कंपोनेंट का अपना वेपर प्रेशर कहलाएगा पी नॉट ए, मिले जुला तो है नहीं। सेम ये सिर्फ मैंने अभी फर्स्ट पार्ट बताया, पी नॉट ए जो लिखा था शुरुआत वाले पार्ट में कि जहां सिर्फ एक कंपोनेंट वेपर प्रेशर, तो पी नॉट ए लिख दिया हमने, क्योंकि सिर्फ ए है, बी तो है नहीं यहां पे, तो ए अकेला है, ए की वैल्यू क्या पी नॉट ए। बी पे आएंगे यहां पे ए नहीं है तो बी की वैल्यू क्या हो गया पी नॉट बी। अब एक थोड़ा सा सवाल उठता है कि आप गौर करना, मैंने ए को ऊपर लिया बी को नीचे लिया, आप चाहे तो पी को ऊपर ले लो चाहे को नीचे लो। रीजन इसके पीछे ये है कि अगर आप ए कंपोनेंट लेते हैं बी कंपोनेंट लेते हैं, दो लिक्विड ऐसा नहीं है सेम जिसका वेव प्रेशर सेम हो, क्योंकि हर लिक्विड के पार्टिकल का इंटरेक्शन फोर्स अलग अलग होता है, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर पे वो अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं, कोई ज्यादा करता है कोई कम। कैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि इथेनॉल अल्कोहल जल्दी फास्ट उड़ सकता है, पेट्रोल जल्दी उड़ सकता है, पानी लेट उड़ता है, तो ऐसा नहीं पेट्रोल इथेनॉल या वाटर इन तीनों का वेपर प्रेशर कभी सेम नहीं है, इसलिए मैंने ए और बी को कभी सेम नहीं ले सकते। अब जैसे आप दोनों को मिलाएंगे तो जाहिर सी बात इस पॉइंट पे अगर देखें दोनों 50-50 होंगे, तो जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो आप गौर कीजिए जैसे ए से आप बी की तरफ जाएंगे ए क्वांटिटी क्या हो रही है कम घटती जा रही है, ए क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है और बी क्वांटिटी क्या हो रही है ये इंक्रीज कर रही है। तो जाहिर सी बात जब ए का कंपोनेंट कम होता जाएगा तो ए का प्रेशर भी क्या होगा घटता चला जाएगा। वही फंडा इधर अपनाते हैं, xi बी 1 है तो बी की वैल्यू क्या होगी टाइम के साथ घटती जाएगी, क्वांटिटी कम प्रेशर कम होते चला जाएगा। अब इसी को लिखा है इसने पी बी इज प्रोपोर्शनल टू, या इसको ऐसे लिख दीजिए पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी, xi बी इसको लिख लीजिए पी नॉट ए इसको सॉरी पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए xi ए, ये सिंगल कॉम्पोनेंट था, इन्हीं का रिजल्टेंट आप लेंगे दैट इज कॉल्ड पी एस, मतलब इन दोनों के बीच में दोनों का मिक्सचर की हम बात कर रहे हैं यहां पे, यहां लाइन ऐसे देखना चाहिए P is equal to PA plus PB कहलाएगा। यही आपका था रॉड्स लॉ ऑफ वेयर प्रेशर, असल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहे तो इसको हटा दें। अब ऐसा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो इसके एग्जांपल में आप चाहे तो लिख सकते हैं N हेप्टेन प्लस N हेक्सेन, इन दोनों का मिक्सचर ये रॉड्स लॉ की, और पीछे आपने प्रीवियस, या फिर बेंजीन प्लस टॉलुइन, ये सब ऐसे मिक्सचर हैं जो रॉड्स लॉ को फॉलो करते हैं ऑपरेट करते हैं। इस तरह से आपको सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, रॉड्स लॉ सिर्फ और सिर्फ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए अप्लाई किया जाता है, इसको पढ़िए घर पे जाके और देखिए समझने की कोशिश कीजिए, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम यहाँ पे वीडियो में बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम लिमिटेशन भी होता है उस हिसाब से, लेकिन आपको होपफुली अगर समझ में आता है वीडियोस तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी कमेंट्स राय जरूर रखें और बताएं कि कुछ अगर आपको लगता है कुछ वीडियोस में और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कोई कंटेंट में किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही तो आप वहां पे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, या जिस टॉपिक में आपको लगता है कि सॉरी कमेंट सेक्शन में लिखते हैं उसके बारे में, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी फरमाइश पे बना दूं जो आपको डिफिकल्ट टॉपिक लगता है उस पर ज्यादा बात कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, पसंद आया तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जो नॉर्मल सी बातें हैं वो आप जरूर कर दें। थैंक यू।